भाई जब भी जंगल में आते हैं ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होती है, कभी पेड़ गिर जाता है, कभी कहाँ फंस जाते हैं, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी क्या। अब देखो यहाँ पेड़ गिरा हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है पीयूष की छुट्टी, तो आज हम जा रहे हैं एडवेंचर के लिए जंगल में बॉबी के साथ में, मॉन्स्टर ट्रक में, क्योंकि पीयूष की छुट्टी आज स्कूल की। तो अब चलते हैं कहीं पे यार, बहुत दिनों के जंगल में, जंगलों की याद भी आ रही थी हमको, तो चलते हैं आज मस्त ऑफ रोड करेंगे, एडवेंचर करेंगे जंगल में, देखते हैं क्या होगा। तो हमको खुद को नहीं पता था कि जंगल में होगा क्या। जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर निकलते हैं, आज हमारा लंच वहीं होगा, हम वहीं पे खाना बनाएंगे, वहीं जंगल में खाना बनाएंगे। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, रोटी और पनीर की सब्जी है यहाँ पे। मैं कह रही हूँ तब तक इसको समझा ले, तो अपना खाना खा, इसको बोले अच्छी पूर्वाजू की शर्ट डाल लेगा, जैकेट डाल ले जाएगा वहाँ को और पैंट डाल लेगा। जैकेट ले लियो, वहाँ ठंड होती है। क्या करें, मैं अपने हिसाब से डालूंगा, कह रहा था तो हिसाब से डालूंगा, कपड़े तो डालूंगा ही, मैं मना कर रहा हूं, नहीं डालूंगा। मम्मी आपको चल रहे हैं, तुम ऐसे ऐसे गधेरे में जाते हो। अरे अच्छा लगता है जंगल में? नहीं लगता ना मेरे को, नदी नदी होगी वहाँ, नदी होगी, हाँ नदी भी होगी, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है बेटा, मैं अपनी जमीन पे खा लेता। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब फिलहाल सामान पैक करते हैं कैंपिंग वाला। तो एक कुकर लेके जा रहे हैं और ये इसमें एक चाय बना लेंगे। चलो तो गाइस इसमें हमने सारा सामान पैक कर लिया है, अपनी गैस वैस सब कुछ इसमें है, और ये टेबल चेयर होगी अपनी। तो घर से तो हम थार में जा रहे हैं, होपफुली हम मॉन्स्टर ट्रक में ही जाएंगे। तो सारा सामान मैंने थार में डाल दिया है, इसको हम मॉन्स्टर ट्रक में शिफ्ट कर लेंगे। और गाइस मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के एडवेंचर के लिए, बिकॉज मुझे खुद ही नहीं पता क्या होने वाला है जंगल में जाके, क्या एडवेंचर हम करने वाले हैं। बिकॉज जब भी हम जंगल में जाते हैं ना कुछ नए नया होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ, कभी हमारे गाइड टूट जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी कहाँ ऑफ रोडिंग, मस्त मस्त, इसीलिए पहले ही बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बिकॉज पता ही नहीं होता क्या होने वाला है। और मॉन्स्टर ट्रक तो वैसे ही मस्त लगता है। और आज मैंने फिर से सनग्लासेस डाल लिए, मेरे को लग रहा है लोग सोचेंगे जो भी मिलेगा ना कि स्टाइल मारना शुरू कर दिया इसने, तो इसलिए मैं डाल नहीं रहा, पता है, नहीं तो मेरा मन तो कर रहा है सनग्लासेस डालने का। तो फाइनली पहुंच गए स्काई डेक, और वो सामने खड़े हैं हमारा मॉन्स्टर ट्रक, और बॉबी भैया भी खड़े हैं रेडी होके। तो अभी बॉबी भैया अपनी फॉर्च्यूनर को दबा रहे ताकि थार यहाँ पे आ जाए, फिर हम चल जाएंगे मॉन्स्टर ट्रक लेके। देखो भाई क्या लग रहा है यार मॉन्स्टर ट्रक। चलो फिलहाल थार में सारा सामान निकाल के उसमें डालते हैं। तो अभी मॉन्स्टर ट्रक रेडी हो रहा है मस्त, अपना थार बच्ची लगती है, मॉन्स्टर ट्रक भी लाइक थोड़ी बच्ची हो क्या। बैठते हैं और निकलते हैं सीधा मस्त एडवेंचर पे अपना, ये तो मैंने भी डाल लिया सनग्लासेस और बॉबी भैया ने भी सनग्लासेस। जब भी इसको लेके निकलते हैं ना भाई, मतलब सारे ऐसे देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं सारे, इसलिए मजा तो पीछे है भाई इसका। हाँ पीछे मजा आता है, पीछे पीछे ज्यादा मजा आता है, पीछे खुला खुला है। तो भी गाइस रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल फुल कराते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि एडवेंचर में ना ऑफ रोडिंग में पेट्रोल बहुत लगता है, तो पेट्रोल फुल कराते हैं फिर चलते हैं। मैं आपके सारे व्लॉग्स देखता हूं, थैंक यू, वेलकम, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। गाइस फुल मजा आ रहा है, फुल हम जंगल में एंटर करने ही वाले हैं, बस खाने का सामान क्या है, खाने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, सिर्फ चाय है, वो बना है पुलाव ना है, हाँ पुलाव बनाते, चावल मैगी बनानी है, मैगी नहीं यार, मैगी नहीं, पुलाव बनाने, पुलाव पुलाव पुलाव, मजे आ रहे मजे आ रहे। एक तो मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, मौसम खुला हुआ है एकदम, हल्की हल्की धूप है और एकदम ठंडा ठंडा मस्त लग रहा है। यार बच्चों का बड़ा वो है, एक बार इनसे मिल ही लो, मैं पीछे से आपके आया। गाइस हम जंगल में एंटर करने ही वाले थे, यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए हमको, चलो फोटोज वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं जंगल में। यहीं रहते हो क्या तुम सब, यहीं रहते हो? तो यहाँ पे हमको दुकान मिल गई है, दुकान से लेते हैं चावल वावल, चावल हल्दी मिर्च नमक सब ले लिया हमने। चलो भाई खाने पीने का सामान ले लिया, अब इससे आगे कोई भी दुकान नहीं है। तो गाइस फाइनली हम जंगल में एंटर करने वाले हैं, वो भी नदी है, देखो यहाँ पे नदी है, और अब खतरनाक ऑफ रोडिंग आने वाली है भाई, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं भाई, यार यहाँ थार नहीं जा सकती, तो इस गाड़ी चढ़ाने वाले यहाँ से ऊपर को, भाई मैं तो उतर गया भाई, अरे प्लांकर डाल दी, सही है मैं नहीं बैठा था, ये तो शुरुआत है अभी, अभी हम जंगल के बीच में आ गए एकदम, यहाँ पे देखो पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ है। गाइस ये देखो चल कहाँ रहे हम भाई, यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे भाई, वो भी रास्ता बना रहे हैं भाई साहब, हम जहाँ चलते हैं वहीं से रास्ता बनता है। तो ये आगे ये वाटर क्रॉसिंग करते हैं, चलो एकदम झटका लगा, मेरा चश्मा नीचे गिर गया, चश्मा ठीक है, मेरा चश्मा ठीक है भाई, मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है और क्या भाई, सामने देखो भाई सामने पूरी झाड़ियां दिख रही है, बस पेड़ ही पेड़ झाड़ियां, यहाँ पे ना कोई रोड है ना कुछ नहीं है। गाइस ये जंगल है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पे सारे जानवर है, टाइगर एलिफेंट भालू तक है यहाँ पे, ऐसे तो पहली बार आया हूँ मैं, ऐसी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पहली बार करी है भाई, जंगल के बीच में और रास्ते खुद ही बना रहे, कितने बड़े गड्ढे आ रहे, खुदा दे रहे उसमें से। गाइस अभी हम ऐसे जंगल में है जहाँ पे कोई भी नहीं आता, इस जंगल में कोई नहीं आता, कोई आ ही नहीं सकता, उसके लिए ये वाली गाड़ी चाहिए, थार भी नहीं आ सकती कोई भी। आराम से बोल भी आराम से
गाइस बेस्ट जंगल राइड एवर। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, चारों तरफ देखो मतलब रोड भी नहीं है भाई यहाँ पे। देखो गाइस एक और वाटर क्रॉसिंग, लेकिन पानी कम है यहाँ पे। अब रुकते हैं कहीं पे, रुकते हैं, भूख लग रही है। चलो रुक, यही आगे सामने रुकते हैं, रुकते नदी, नदी के पास रुकते हैं, नदी के पास, मस्त मजा आएगा। चलो पानी की आवाज आई है ना। अरे यार क्या कर रहे हो, आज तो पूरी बॉडी का वर्कआउट हो गया हिल हिल के। फाइनली एक अच्छी जगह मिली हमको उतरने के लिए, खुली खुली, पानी भी एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी। देखो भाई कितनी मस्त पानी की आवाज आ रही है यहाँ पे। देखो ले भाई पीयूष, पीयूष ये तेरे लिए छोटा वाला। तो हमको रुकने के लिए बेस्ट स्पॉट मिल गया। देखो यहाँ पे नदी भी है और खुला खुला एरिया। तो फिलहाल प्याज काट रहे हैं, ढक्कन खोल के भाई ऐसे ही रख रहे हैं। इसी एडवेंचर के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था सुबह से। तो अब चावल धोते हैं, पीयूष धोएगा। ले अच्छे धोयो। तो यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी है मेरे पास, ये भी डालेंगे इसमें। एक हाथ से पकड़ो और चलाओ इसे। लाइफ में ना सब कुछ आना चाहिए। तो सब कुछ डाल दिया, मसाले वसाले न्यूट्रेला वेला। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। सीटी आ गई, सीटी आ गई, जंगल के बीच में सीटी। देखो ओ भाई, एक तो लेट हो गया ना काफी, जंगल में चलते थे, भूख भी लग गई और पूरी बॉडी हिल गई थी। चलो भाई खाते हैं, देखने में ही टेस्टी लग रहा है इतना। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब हम शाम तक यहीं रुकेंगे भाई। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, जाने का मन ही नहीं कर रहा, तो यहीं पे रुकेंगे, चाय वाय बनाएंगे। जब अंधेरा होने लगेगा ना तब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अच्छा लग रहा है एकदम, तो शांति सी है ना। फिर वहाँ पे बसड़ सी है, शहर में जाओ तो बसड़ सी है। चलो भाई अब चाय बनाते हैं, बस पानी गर्म करना है हमको चाय के लिए। पीयूष की टी शर्ट में देखो फॉरेस्ट लिखा हुआ है, इसके पीछे फॉरेस्ट है, ट्रीज भी इसके पीछे हैं, ओशन नहीं है, रिवर्स इसके पीछे है, सन भी तेरे पीछे है भाई। बस बस। तो गाइस खाना पीना तो सब हो गया है, अब सर दर्द हो रहे हैं बर्तन। तो गाइस पैकअप का टाइम आ चुका है, बिकॉज़ अंधेरा होने वाला है। तो चलो गाइस पैकअप करते हैं, चलते हैं, सब कुछ समेटते हैं। तो गाइस सारा सामान हमने मॉन्स्टर ट्रक में पैक कर दिया है, तो चलो अब चलते हैं, बहुत दूर जाना है हमको। चलो तो अभी गाइस एक दिक्कत आ गई है, आगे पेड़ टूटा हुआ है, तो अब देखते हैं किस तरह से हटाएंगे उसको, पेड़ को। बहुत बड़ा पेड़ टूटा हुआ बीच आगे। तो गाइस ये देखो ये पेड़ टूटा हुआ है यहाँ पे, तो ये पेड़ हटाना पड़ेगा हमको, और ये काफ़ी भारी पेड़ है। और यहाँ पे हमको रास्ता मिल गया, देखो यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे कोई आता नहीं है, लेकिन ये बहुत मतलब बहुत पुराना रास्ता है, ये बहुत सालों पुराना। काम करते हैं, अपनी विंच यूज करते हैं, अकेले हाथ से हिलेगा ना तुम उठा पाओगे ना मैं उठा पाऊंगा। चलो आज विंच को देखते हैं। तो ये यहाँ पे रस्सी जैसी विंच है ना ये। गाइज हम जंगल में उतरे तो हैं, लेकिन बहुत डेंजरस है यहाँ पे टाइगर अब, तो ये पेड़ हटाना है हमको भाई। जब भी जंगल में आते हैं ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होती है, कभी पेड़ गिर जाता है, कभी कहाँ फंस जाते हैं, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी क्या। अब देखो यहाँ पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन तभी तो मजा आता है ना एडवेंचर करने का, उसको तो एडवेंचर बोलते हैं। ध्यान से कोई जानवर नहीं आना चाहिए बस, तो पेड़ को साइड करना है हमको बस। तो गाइज ये है विंच, इसको इस तरह से बांधा, अब खींच लेंगे हम इसको। चलो भाई जुगाड़ हर चीज़ का है। तो फाइनली विंच टाइट हो चुकी है, देखो अभी खींच लेंगे इसको। पीयूष देखो गाड़ी के ऊपर बैठ गया, खींचो, ओ खींच गया, गिर गया। ओ भाई पूरा पेड़ ही हटा दिया। ओ घर तक ले जाओगे? अबे कहाँ ले जा रहे हो उसको, अबे कहाँ ले जा रहे? ये देखो भाई साथ लेके जा रहे हैं उसको, ले जाओ। हाँ साइड कर दो। भाई हम क्या कर रहे हैं जंगल में आके, पेड़ हटा रहे हैं हम पेड़। चलो फाइनली आपने बहुत अच्छा काम किया आज पेड़ हटा के। तो फाइनली जंगल से निकलने वाले हम, ये रास्ता जंगल से निकलने का देखो, जानते हो मुझे? Yes. लेकिन गाइस आज का दिन बहुत नेक्स्ट लेवल था, मजा आ गया। मतलब सुबह निकले थे हम और शाम को घर जा रहे हैं, देखो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं स्काईडेक, मॉन्स्टर ट्रक को यहां पर पार्क कर दिया, अब हम थार में चलते हैं घर। थार गुस्से से देख रही है, कह रही मुझे ले गए, लेकिन थार वहां जा ही नहीं पाती ना जहाँ ये गई। थार तुमसे ना हो पाएगा। कोई नहीं थार आपको भी ले जाएंगे, पक्का आपको भी ले जाएंगे। चलो भाई अब चलते हैं अपनी थार लेके। तो फाइनली सोसाइटी पहुंच चुके हैं, दिवाली कल थी लेकिन आज भी पटाखे फूट रहे गाइस, बहुत जगह दिख रहा हूँ पटाखे फूट रहे हैं, देखो पटाखों की आवाज आ रही है। चलो भाई घर पहुंच गए फाइनली, और अपना खाना खा रहे हैं भाई, खाते हुए नहीं छेड़ना। तो गाइस डिनर रेडी हो गए, तो डिनर करते हैं, इसके बाद मैं एडिटिंग करूंगा। तो आज बने करेला एंड रोटी। तो गाइस डिनर भी हो गए, तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ढक्कन बंद नहीं हो रहा यार, वो तो वीडियो बना रहे थे इसलिए मैं आराम से कर रहा था। अरे हो, अरे ढक्कन बंद नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा।
नहीं होएगा। अरे यार सेंटर पर आ रहा, सेंटर में आ रहा, एक ढक्कन बंद नहीं हो रहा।